नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ कि हो जाएगी चट मंगनी पट ब्याह अगर आप करेंगे ये उपाय। प्यारे दोस्तों, शादी किसी भी लड़की के जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला होता है। कभी कभी इस काम में रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। लड़की की शादी समय से न होने पर घर वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लड़की को भी इस दौरान मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। जब लड़की बाइज्जत अपने घर पर चली जाती है, तभी माँ बाप के जीवन में शांति आती है। प्यारे दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादी में देरी का कारण कन्या की कुंडली में दोष होना भी हो सकता है। इसके अलावा ग्रह नक्षत्र भी विवाह योग में कभी कभी बाधा उत्पन्न करते हैं। इन सभी दोषों का उपाय आज हम आपको अपने वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। इनको ठीक तरह से करने पर जल्द ही आपकी चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब भी लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए, प्यारे दोस्तों जानिए क्या है वो उपाय। जब भी लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए तो माता पिता और बेटी को नए कपड़े पहनने चाहिए। लड़की के कपड़े पीले होंगे तो ज्यादा शुभ फल प्राप्त होगा। अगर शादी में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है या विवाह के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिल रहा है तो लड़की को हर गुरुवार पीले और शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। जिस समय बेटी के रिश्ते की बात हो रही हो, उस समय कमरे में जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। जूते चप्पल घर के बाहर बाई ओर व्यवस्थित ढंग से रखने चाहिए। जिस दिन लड़की के रिश्ते की बात होनी है, उस दिन लड़की को बाल खुले रखने चाहिए। लड़के वालों से बातचीत करते समय बालों को बांधना नहीं चाहिए। अगर लड़की के माता पिता रिश्ते की बात करने के लिए किसी लड़के के यहाँ जाते हैं तो उस समय घर में प्रवेश करते समय सीधा पैर अंदर रखना चाहिए। लड़की जब भी किसी रिश्तेदार की शादी में जाए तो उसे दूल्हा या दुल्हन की मेहंदी में से थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों पर लगानी चाहिए। ये एक प्रकार का ऐसा उपाय है जो 100% आपको लाभान्वित करेगा। शीघ्र विवाह की कामना से लड़की को 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। हर सोमवार को शिव पार्वती जी की पूजा आराधना करते हुए शिव जी के ऊपर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और माँ पार्वती को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। साथ में ही नाल द्वारा उनका गठजोड़ा करना चाहिए। श्री रामचरितमानस के बालकांड में शिव पार्वती के विवाह के अध्याय का रोज पाठ करना चाहिए। इस अध्याय के पाठ से जल्दी विवाह के योग बन सकते हैं। गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर जाएं, भगवान को बेसन के 5 लड्डू चढ़ाएं और भगवान से विवाह बाधा दूर करने के लिए प्रार्थना करें। प्यारे दोस्तों, कात्यायनी माँ की पूजा करना भी कन्या के लिए काफी हद तक लाभप्रद रहता है। कात्यायनी माँ की पूजा करते वक्त लड़की को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी में दीपक जलाकर उनके सामने आसन बिछाकर पूजा करें। जिस मंत्र का जाप करना है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। कात्यायनी महामाया महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मैं कुरते नमः। इस मंत्र का जाप 2 माला का डेली करने पर कन्या को सुयोग्य वर प्राप्त होगा। इसके लिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ क्योंकि ये अजमाया हुआ उपाय है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई इस जानकारी से संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। अगर आपको लगता है कि ये आपके अपनों के लिए भी काफी हद तक लाभप्रद है तो आप इसे अवश्य अपनों तक शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।